बड़ी खबर भीम से देखेंगे, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ही सरकार को घेरा है। किसान ऋण माफी पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए सिंधिया ने कहा है कि किसानों का जो कर्जा माफ हुआ वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, केवल 50,000 किसानों का ही कर्जा माफ हुआ है। 50,000 ही कर्जा माफ हुआ, 2 लाख का बोला था, 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ है। और खास बात भिंड में यह है कि जिन भिंड में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो दौरे पर गए हुए हैं, वहां पे जो पोस्टर लगे हुए हैं उन पोस्टर में पीएम मोदी की तस्वीर भी है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं और लगातार बगावती सुर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लंबे वक्त से देखने को मिल रहे हैं। तीखे अंदाज में लगातार नजर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। गिरिराज बोहरे जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। गिरिराज, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे महाराज अपनी ही सरकार को घेरने में। जी बिल्कुल रश्मि, बताना चाहेंगे ज्योतिराज सिंधिया अपनी सरकार को घेरने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता अपना जलवा दिखाने में, सिंधिया का जलवा दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। कल ऐसा ही मामला भिंड में आया है सामने, जहां पर सिंधिया ने एक बयान दिया है, अपनी सरकार को घेरते हुए उन्होंने बयान दिया है। किसान ऋण माफी पर अपनी सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और उन्होंने यह कहा कि अभी तक सरकार ने केवल 50,000 रुपए का कर्जा माफ कर पाई है सरकार, जबकि सरकार का वादा था 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होना है किसानों का। और लेकिन गिरिराज, जिस तरह से सरकार अपनी ही सरकार को घेरते आ रहे हैं, और भिंड में एक खास बात ये भी देखिए कि जगह जगह जो पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी फोटो है। जी बिल्कुल रश्मि, बताना चाहेंगे एक होर्डिंग ऐसा भी लगाया जो जिला संयोजक हैं जिसमें और भाजपा के नेता हैं हृदय शर्मा, उन्होंने एक होर्डिंग लगाया है जिसमें उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का फोटो भी लगाया है। तो भारतीय जनता पार्टी के जिला संयोजक ने ये होर्डिंग लगाया है, तो क्या मान लिया जाए जो तीखे तेवर ज्योतिरादित्य सिंधिया के देखने को मिल रहे हैं, जो सुगबुगाहट सुनने को मिल रही है कि भाजपा में शामिल हो सकते हैं, भाजपा में शामिल हो सकते हैं, इसके लिए इस तरह का होर्डिंग लगाया, या कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए, या माधवराव सिंधिया जो उनके पिता थे उनकी तरह दूसरी पार्टी बनाने की सुगबुगाहट तो नहीं है कि कहीं अंदर खाने से वो तीसरा फ्रंट मध्य प्रदेश में बनाने की कोशिश में जुटे हुए हों और बैकफुट से भाजपा उन्हें सपोर्ट कर दे। जी बिल्कुल, भाजपा नेता जो थे उन्होंने सिंधिया को 370 हटाए जाने के समर्थन को लेकर ये होर्डिंग लगाया हुआ था। अब इससे ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इससे कई कयास लगाए जा रहे हैं, जो सिंधिया को प्रेरित किया जा रहा है, जो सिंधिया को तवज्जो नहीं दी जा रही है कांग्रेस में, तो भाजपा इसको आड़े हाथों लेते हुए शायद ऐसा भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं सिंधिया भाजपा में शामिल होने के प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए।